ये क्या है, मुझे दिखाना इधर। जॉन सीना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशिर मुनव्वर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुबशिर मुनव्वर व्लॉग्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, अल्लाह का शुक्र है। मैं भी खैरियत के साथ हूँ। इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी है मेरे साथ अब्बू। पहले तो ये आप लाहौर जा रहे हैं ना? हाँ जी। आज जुमा था, जुमा इधर ही पढ़ लेते? नहीं, तो रस्ते में पढ़ लेंगे किसी मस्जिद। अच्छा, चलो ठीक है, तो रस्ते में जुमा जरूर पढ़ना। तो आप पहली दफ़ा सफ़र पे जा रहे हैं, ठीक है ना जी? तो उधर शहर जब जाना है तो ख्याल से सड़क वगैरह क्रॉस करनी है, और इधर उधर अकेले भागना नहीं है। चाचू भी आपके साथ है। साथ ज़रूर है। बच्चे जब शरारतें करते हैं, हरकतें करते हैं, वो हरकतें नहीं करनी है। जहाँ भी जाना है आराम से जाना, अपना ख्याल रखना है, ठीक है ना? तो ये घड़ी भी आपने संभाल लो जी, और मैं आपको खर्चा भी कुछ देता हूँ चाचू से ले लो। चाचू के पास है, वैसे आपके पास भी जेब में होने चाहिए, कुछ ना कुछ तो होने चाहिए ना। वो खुले पैसे तो हूँ ऐसे। हाँ, कुछ ना कुछ तो होने चाहिए ना, तो वैसे रख लेना। तो चाचू भी आया, अम्मा दादी भी आपके साथ है, तो सब आपके साथ है, वो तो टेंशन नहीं है। तो वैसे अच्छा, चलो रहने देते हैं ना तुम। नहीं रहने दे, ले लूंगा नहीं, देता हूँ कुछ देता हूँ जी। तो ये जेब में डाल लें जी। तो पैसे मुझे मिल चुके हैं, तो भी मैं जेब में, वैसे जेब में रखना है, खाने पीने के लिए, मेरे खाना पीने के लिए। तो ठीक है, कितने दिन रहना है उधर? वो चाचू को पता है उधर रहेंगे कितने दिन रहना है। जुम्मा वैसे हम रास्ते में पड़ेंगे, इधर जुम्मा जल्दी शुरू होता है। बस मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि जब शहर जाओगे ना, तो फजूल बैर ऐसे गली में नहीं निकलना। अगर कोई सड़क वगैरह क्रॉस करनी है तो वो भी ना देखभाल के क्रॉस करना। चाचू के साथ जाऊंगा, अगर कहीं जाना भी तो चाचू लोग अम्मा दादी के साथ कहीं जाना। हाँ चलो ठीक है, फिर अपना ख्याल रखना। अल्लाह अम्मा जी तैयारियाँ कर ली, कपड़े वगैरह तैयार हो गया? मैं तो रेडी हुआ खड़ा हूँ पहले ही। मुझे तो सिर्फ शवेज की पड़ी हुई, शवेज के पास जाना है बस। शहरेज ने भी आना तैयार होकर खड़ा है, आपने भी आना है, शरी ने, आप भी आ जाए। मैं तो कह रहा था मक हो के आपको कौन ख्याल करेगा, फसल का कौन ख्याल करेगा, जो गाय है हमारी उसका कौन ख्याल करेगा? हाँ अब्बा जी तो नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि मिस्त्री ने भी काम करना है, दूसरे जो पानी वाले हैं उन्होंने भी काम करना है, बिजली वाले भी आए हुए हैं, प्लास्टर भी करना है, सब काम करना है, मिस्त्री भी आए हुए हैं। और अब्बे जी को भी नहीं लेके जा सकते क्योंकि अब्बे की उम्र ज्यादा हो चुकी है। अब यहाँ पे मेरी खुशबू भी लगी पड़ी। हाँ मेरे कपड़ों में डाल दी थी अम्मा ने। रेडी उज रेज शहरी? शहरी भी रेडी है। ये मुझे कहता है कि दुकान खोलो, मैं जिम्मे पे जा रहा हूँ, मुझे 20 रुपए देता है कि मुझे ना लेज का पैकेट दो। हाँ जी, तो इधर अब्बा जी अकेले बैठे हैं। अब्बा जी क्या हुआ है आपको, उदास बैठे हैं? उदास बैठे लग रहे हैं, अम्मा जी जा रही हैं। अब्बा जी उदास बैठे हैं, सब जा रहे हैं, पीछे हम अकेले रह गए। मैं तो कह रहा था अब्बे जी को भी लेके जाते हैं, लेकिन शुगर का मसला है। अब्बा भी जा सकते हैं क्योंकि सफर ज्यादा है वैसे। आम बंदा भी थक सक जाता है। अम्मा भी आ गई। अबे अम्मा बाबा ना एक दूसरे को सलाम दे रहे हैं, अम्मा जा रही है। अल्लाह हाफिज़ कह रही हूँ। हमने गाड़ी निकाल ली है, तो अभी हम जा रहे हैं। अब्बू जी हाँ जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ जी, तो दुआ कीजिएगा खैरियत से पहुँचे, तो ख्याल से, ठीक है जी। हाँ जी, तो अभी हमने चाचू के घर पहुंच चुके हैं, तो सभी ना पानी पी रहे हैं। प्यास बड़ी लगी हुई थी, किसी ने मेरे ख्याल में पानी नहीं पिया, बस वही चाय पी थी। वो इधर देखे आते ही ना अम्मा ने शवेद को उठाया हुआ है। मैं नहीं उठाया हुआ, अम्मा ने नहीं उठाया। अम्मा से ही लिया आपने अभी? शवेद क्या कर ले हो? असल में हम आए ना शवेद में देख के ना खुशी होकर कह रहे ये कौन आ गए, खेल रहा है शवेज बैठा यहाँ पे। तो जरेज और शहरी ने आते ही ना शवेज के टॉय उठा लिए, इसको भी पता नहीं अगर थोड़ा सा बड़ा होता ना इनकी कुट लगाता। ये क्या है, मुझे दिखाना इधर, ये ऊपर से बना हुआ इस तरह करना होता है। ये ले खेलो, ये लो खेलो, तो इधर शहरी ना
शवेज का टॉय उठा के बैठा है। हाँ जी, तभी यहाँ पे चाचू भी ना हाथ वॉश करके आ चुके हैं। हाँ, मैं हाथ वॉश करके आ रहा हूँ। आप सामान नहीं उठा रहे थे, कपड़े वगैरह? हाँ, सामान वगैरह ठीक कर रहा था। तो शवेज आते ही बड़ा खुश हो गया, पे एक्टिव हो गया वैसे शहरी उस रेस को देख के। सोया हुआ था पहले, अभी जाकर मुझे वो सुस्त सुस्त लग रहा था, अभी एक्टिव हो गया। वो दे दांत निकाल रहा, उसके दांत है नहीं। शवेज इधर देखो, शेरी ने आते ही ना आपके टॉय पर हमला कर दिया है। वो पेट को कूटी जा रहा है जॉन सीना। हाँ जी, तो मैं इसी के साथ आज की वीडियो का फिर यही एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को आज की हमारी जी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।